नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिशा क्लासेस में। साथियों, हमने पिछली क्लास में वैदिक शिक्षा के अंतर्गत गुरुकुल के बारे में अध्ययन किया था और आज की इस क्लास में हम आप सभी को जैसा कि बता चुके हैं कि वैदिक काल दो भागों में बटा हुआ था, ठीक है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इन दोनों कालों में शिक्षा जो प्रदान की जाती थी उस शिक्षा में क्या समानताएँ थी, क्या असमानताएं थीं, इन्हीं की चर्चा हम करेंगे आज की क्लास में। और इसके बाद हम आज अध्ययन करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के गुण और दोष, ठीक है, इसी की चर्चा आज हम करेंगे। तो आप सभी तैयार हो जाइए पेन कॉपी को उठा करके और हमारे साथ अध्ययन करने के लिए मन लगा करके अध्ययन करिए, जिससे कि अच्छे अंक आपके आ सकें और आपकी परीक्षा भी जल्द से जल्द होने वाली है। लगभग मुझे लगता है कि यह परीक्षा बीएड चाहे सेकेंड सेमेस्टर हो या फोर्थ सेमेस्टर हो, आपकी परीक्षाएं 20 अगस्त के आसपास आयोजित की जाएंगी। तो समय कम रह गया है, कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए। अन्य भी साथियों को आप जोड़िए हमारे चैनल से, मैं आपको बार बार ये कहता हूँ। अच्छा, कुछ मैसेज आते हैं कि सर आप पैड कोर्स नहीं चलाते हैं, सर आप फ्री में शिक्षा क्यों देते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि मैं फीस लेता हूँ। उन्होंने कहा कैसे सर फीस लेते हैं, तो मैंने कहा कि आप हमारे चैनल को बस शेयर किया करिए, यही मेरी फीस होगी, ठीक है। तो मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, आप सिर्फ हमारे परिवार को बढ़ाइए, मेरा यही आपसे कहना है, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं। आगे देखेंगे हम आज वैदिक कालीन शिक्षा समानताएं। समानताएं का मतलब है कि उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल, जिसको हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या समानताएँ थी, इसी के बाद हम करेंगे। तो देखिए, इन दोनों कालों में, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दोनों काल में शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। यानी कि जो शिक्षा थी उस पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था, उस पर राजा कोई कानून नहीं चलता था। जिस गुरु जी का गुरुकुल रहता था, वहीं के गुरुकुल में जो गुरु जी रहते थे, जो वह कहते थे वह नियम बन जाता था, ठीक है। गुरु जी के अनुसार सारे कार्य संपादित किए जाते थे आश्रमों में। तो वही कह रहा है कि दोनों काल में शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, शिक्षा पे कोई नियंत्रण नहीं था कि राजा ऐसा कहेगा तो इस प्रकार शिक्षा देना है, इस कला शिक्षा देना है, इस वेद की शिक्षा देना, ऐसा कुछ नहीं था। आगे देखेंगे, दोनों कालों में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था घरों में की जाती थी। हमने कहा कि पहले जब शुरुआत में आते थे कौन, पुरोहित, जो घर के पुरोहित होते थे वो आते थे और बालक का जो शुरुआत है वह घर में ही होता था पढ़ाई लिखाई का, ठीक। इसके बाद जब बालक बड़ा होता था, अब उसे उच्च शिक्षा की आवश्यकता पड़ती थी, तब बालक को भेजा जाता था गुरुकुलों में, ठीक है। आगे देखेंगे हम, शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा में मौखिक रूप से था। उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल, जिसे पूर्व वैदिक काल कहते हैं, दोनों कालों में शिक्षा प्रदान करने का जो माध्यम था वह क्या था, वह मौखिक था। और किस भाषा प्रदान की जाती थी, संस्कृत भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती थी। आगे देखेंगे, गुरुओं को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, क्योंकि हमने कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ठीक है, तो गुरु को ही सब कुछ माना जाता था, गुरु को सबसे ऊंचा दर्जा दोनों कालों में प्राप्त था, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल दोनों में। आगे देखेंगे, अनुशासन तथा ब्रह्मचर्य का पालन दोनों काल में होता था, उसमें भी और इसमें, चूंकि वैदिक काल के दोनों भाग हैं तो काफ़ी हद तक दोनों में समानताएँ हैं, ठीक है, अनुशासन और ब्रह्मचर्य। अच्छा, आप सभी ने कहीं कहीं देखा होगा, प्राचीन विद्यालय में अक्सर देखता हूँ लिखा होता है अनुशासन जीवन को महान बनाता है। तो अनुशासन का बहुत ही पहले से महत्व है, ठीक है, और हमने पहले ही कहा कि छात्र जीवन में अनुशासन का बहुत ही महत्व है। अनुशासन का मतलब ये है कि अगर आपने ठान लिया है कि आपको 4 से लेकर के 5 बजे भोर में सुबह के समय पढ़ना है, तो आपको पढ़ना ही है, फेसबुक पर वीडियो नहीं देखना है आपको, ठीक है, आपको पढ़ना ही है। तो वही चीज़ है अनुशासन, नियम कानून का पालन, ठीक। अब ब्रह्मचर्य आप समझते ही हैं। आगे देखेंगे, स्त्री शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता था दोनों काल में। कह रहा है कि स्त्री शिक्षा पर, हम कहते हैं कि वैदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, उनको अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जाता था, लेकिन वैदिक काल में अगर हम सच कहें तो स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। क्योंकि आप कहेंगे कि स्त्रियों की दशा ठीक थी क्योंकि अपारा, घोषा, गार्गी, ठीक है, ये सभी महिलाओं के नाम मिलते हैं जो विदुषी थी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आप सभी से कि सिर्फ 4 महिलाओं के नाम ही क्यों मिलते हैं, अन्य भी महिलाओं के नाम आने चाहिए विदुषी महिलाओं में, लेकिन सिर्फ गिनती की 4 महिलाएं आती हैं, अपारा, घोषा, गार्गी, ठीक है, यही 3-4 नाम आते हैं। तो
यह दिखाता है कि समाज में सिर्फ कुछ हद तक ही स्त्रियां शिक्षित थी, उनको शिक्षा प्रदान किया जाता था, उनको प्रोत्साहित किया जाता था शिक्षा प्रदान करने के लिए, अन्यथा यह सिर्फ चार नाम रटने को नहीं रह जाते, अन्य नाम भी सामने हमारे आते। ठीक है, तो वही कह रहा है कि स्त्री शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता था। आगे देखेंगे, गुरु व शिष्य के मध्य मधुर संबंध थे तथा दोनों अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। गुरु और शिष्य के मध्य आपसी संबंध बहुत ही मधुर थे। गुरु जो था वह शिष्य के कष्टों को समझता था और शिष्य जो है गुरु के कष्टों को समझता था। कभी अगर गुरु मार भी देते थे शिष्य को तो शिष्य जाकर के शाम का हाथ दबाता था कि आज आपने हमें मार दिया है, आपके हाथ में बहुत चोट आई होगी, दर्द हो रहा होगा, आपके हाथ में लाइए मैं दबा देता हूँ। यह भावना थी गुरु और शिष्य के बीच में। आगे देखेंगे तो अब बात हम कर लिए समानताओं की। ठीक, अब हम बात करेंगे असमानताओं की। देखिए, असमानताओं की अगर हम बात करें, इसको असमानता को आप अगर नंबर गेन करने के हिसाब से देखें, ठीक है, तो आप अगर ऐसे लिखेंगे तो अच्छा नहीं होगा मेरे हिसाब से। मैंने इसलिए लिखा है कि आपको दिखाने के लिए, लेकिन इससे अच्छा लिखने का तरीका मैं भी आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं चाहता हूं कि आप समानताओं का ऐसे ही ले लीजिए, फिर मैं असमानताएँ बताता हूं आपको अच्छे ढंग से। ठीक है, कि किस दूसरे तरीके से हम इसको लिख सकते हैं असमानताओं को ही। तो किनारे में जाता हूँ, ठीक है, हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए देखिए, कापी में लिख करके तो सभी आते हैं, आप भी लिख के आते हैं, हम भी लिख के आते हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो साथी है वह भी लिख के आता है तो क्या होता है कि उसका नंबर ज़्यादा आ गया, आपका नंबर कम आ गया। तो आप कहते हैं कि हमारे साथी पढ़ा था, हमारे नोट्स इसके नोट्स बराबर थे, ये भी हमारे साथी पढ़ा था, लेकिन इसका नंबर ज़्यादा क्यों आया। उसके नंबर आने का कारण, ज़्यादा आने का कारण यही है कि उसके लिखने की शैली अलग थी, आपसे उसने कुछ भिन्न लिखा था, इसीलिए उसके नंबर ज़्यादा आए हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूँ असमानताओं की। तो मान लीजिए आपको समानता लिखना पड़े या असमानता लिखना पड़े तो कुछ इस तरह से आप लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए, यहाँ पर लिखेंगे आप बिंदु, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर बिंदु लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे कि आप असमानता या समानता किस आधार पे, ठीक है, किस आधार पे लिख रहे हैं वही इस बिंदु में लिखेंगे, या इस बिंदु के जगह आप यहाँ पे एक और भी अच्छा रहेगा शब्द आधार, ठीक, किन आधारों पे, आधार, ठीक, किन आधार पे वर्गीकरण आप कर रहे हैं इसको देखें। जैसे कि सबसे पहला देखिए हमारा क्या है, आरंभिक वैदिक काल में किसी भी वर्ग का व्यक्ति शिक्षक हो सकता था, परंतु उत्तर वैदिक काल में सिर्फ ब्राह्मण ही हो सकता था। तो आधार के अंतर्गत आप लिखेंगे यहाँ पे शिक्षक, क्या लिखेंगे, आधार है शिक्षक, शिक्षक को आधार मान के अब आप बता रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे आप आधार बना करके, यहाँ लिखेंगे पूर्व वैदिक काल या वैदिक काल जिसको कहते हैं हम, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब इसमें जब आप अंतर करेंगे तो आपकी कापी भी अच्छे से भर जाएगी, ठीक है, और अच्छा देखने में भी लगेगा। बाकी आप लाइनिंग कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए, आधार में है शिक्षक, अब शिक्षक को आधार मान के हम क्या लिखेंगे, शिक्षक को आधार मान के हम यही लिखेंगे सबसे पहले, इस पूर्वादि काल में कि इस काल में किसी भी वर्ग का व्यक्ति शिक्षक हो सकता था, ठीक है, और इस वाले में लिखेंगे उत्तरवादि काल में, जबकि इस समय सिर्फ ब्राह्मण ही शिक्षक हो सकते थे, ऐसे लिखेंगे, ठीक। ये हो गया पहला। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे, आरंभिक वैदिक काल में सभी वर्णों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, ठीक है। तो दूसरी हेडिंग हमारी क्या बनेगी, देखिए दूसरी हमारी हेडिंग बनेगी शिक्षा का अधिकार, ठीक है, दूसरी हेडिंग हमारी यहाँ बनेगी शिक्षा का, ठीक है, बनेंगे शैक्षिक, ठीक है, शैक्षिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार, ये दूसरी हमारी बनेगी, ठीक है। दूसरा हमारा आधार है, पहला है शिक्षक और दूसरा हमारा है, अगर हल्की इधर लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, शैक्षिक
शैक्षिक अधिकार, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया, हमारा दूसरा हो गया, तो शिक्षा का समझ गए। शैक्षिक अधिकार में क्या लिखेंगे कि सभी वर्णों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, और उत्तर वैदिकाल में आप लिखेंगे कि शूद्रों को छोड़ करके सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, ठीक है। या इसमें लिखेंगे सभी वर्णों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, इसमें लिखेंगे सिर्फ तीन वर्ण शूद्रों को छोड़कर तीन वर्णों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, ठीक, ऐसे लिखेंगे। फिर हम तीसरा अपना आधार बिंदु बनाएंगे यहाँ पर, तीसरा किसको बनाएंगे, ये दो तुम्हारे हो गए यहाँ पे समाप्त, ठीक। अब तीसरा बनाएंगे कि गुरुकुलों की स्थिति, गुरुकुल थे कहाँ पे, ठीक। तीसरा बनाएंगे गुरुकुल, ठीक है। अब गुरुकुल के अंतर्गत इसमें आप लिखेंगे पूर्व वैदिक काल में कि आरंभिक वैदिक काल, ठीक है, यानी शुरुआती वैदिक काल में, आरंभिक वैदिक काल में गुरुकुल शहर गांव कस्बे के कोलाहल से जुल कहाँ पे, जंगलों में, ठीक है। या तो 160 खंड लिखेंगे कि आरंभिक वैदिक काल में गुरुकुल नगरों से दूर जंगलों में बनाए जाते थे या स्थापित होते थे, उत्तर वैदिक काल में लिखेंगे। परंतु इस काल में गुरुकुल नगर व कस्बों में स्थापित होने लगे, तो कारण ये था कि जंगल में कभी जंगली जानवरों का आक्रमण, ठीक है, उसके बाद जंगल में हर चीज़ की उपलब्धता नहीं हो पाती थी, और व्यक्ति जो है अपने जैसे बालक है उसको जंगल में भेजने में भी संकोच करता था, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, हमारी नज़र से दूर है, तो थोड़ा आसपास कस्बे में और नगरों में बाद में गुरुकुल स्थापित किए जाने लगे, जिससे कि बालक थोड़ा अपने माता पिता के आसपास रहे और सुरक्षित भी रहे, और कोई चीज़ की आवश्यकता पड़े तो उसकी तुरंत पूर्ति की जा सके, ठीक है। तो वही बात लिखेंगे गुरुकुलों की स्थिति में, ठीक है, कि यह जंगलों में स्थापित होते थे, ठीक है, सुदूर वनों में जंगलों में, और उसमें लिखेंगे कि नगर और कस्बों में स्थापित होने लगे, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे अगली हेडिंग आप बनाएंगे यहाँ पे, अगला आधार आपका पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या कि पाठ्यचर्या कैसी थी, तो देखिए पाठ्यचर्या में लिखेंगे पूर्व वैदिक काल में जो पाठ्यचर्या थी वह क्या थी, वह सीमित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में पाठ्यचर्या में वृद्धि हो गई, ठीक। तो इसको भी आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि सीमित पाठ्यचर्या, और इसमें लिखेंगे उत्तर वैदिक काल में कि पाठ्यचर्या विस्तृत हो गई, ठीक है। ऐसा करता हूँ कि समझ में आ रहा है सभी को। चलिए तो पाठ्यचर्या की बात हो गई, पाठ्यचर्या के बाद हम बात करेंगे कि शिक्षा, ठीक है, शिक्षा किस प्रकार प्रदान की जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पाँचवें नंबर में कि शिक्षा प्रदान, शिक्षा प्रदान यहाँ करेंगे शिक्षा प्राप्त, शिक्षा प्रदान करने की योग्यता, प्रदान में शिक्षक हो जाएंगे, शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता करेंगे, शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता। तो पूर्व वैदिक काल में सभी जो वर्ण थे, ठीक है, पूर्व वैदिक काल में क्या था कि सभी वर्णों को शिक्षा मिलता था, मैंने पहले बता दिया। अब यहाँ है कि किस योग्यता के अनुसार शिक्षा मिलेगी, तो यहाँ पूर्व वैदिक काल में जो छात्र, ठीक है, जिस योग्य होता था उसको उस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी पूर्व वैदिक काल में, जबकि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि शिक्षा वर्ण के आधार पर देने जाने लगी। जैसे कि अगर ब्राह्मण का पुत्र है तो उसे वेदों का, ठीक है, मंत्र का, यज्ञ आदि का, कर्मकांड का शिक्षा दिया जाता था। अगर जो बालक है वह किससे है संबंधित है, वह क्षत्रिय संबंधित है, क्षत्रिय वंश है, तो उसे राजनीति शास्त्र की, शस्त्र विद्या की, ठीक है, इन सब की शिक्षा उसको दी जाती थी। शूद्र से है तो उसे अर्थशास्त्र, उसके बाद अर्थशास्त्र वहाँ पर बहुत छोटे लेवल पर था, ठीक है, उसको हम अंग गणित कर सकते हैं, अंग गणित, ठीक है, और इत्यादि चीज़ों की शिक्षा उसे दी जाती थी। तो यही है कि पूर्व वैदिक काल में योग्यता के अनुसार छात्र जिस योग्य है उसके अनुसार शिक्षा दी जाती थी, जबकि इस काल में शिक्षा को वर्ण के अनुसार रख दिया गया, शिक्षा वर्ण के अनुसार प्रदान की जाने लगी, इसमें ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो समझ में आ रहा होगा, जैसे कि कहते हैं कि शिक्षा इसमें क्या था, पहले कर्म के आधार पर थी, एक लाइन में शिक्षा कर्म के आधार पर थी और इसमें शिक्षा वर्ण के अनुसार हो गई, यह कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद शिक्षा किस प्रकार की थी, ध्यान देंगे शिक्षा का प्रकार या
यही लिखेंगे, शिक्षा की प्रकृति। चूंकि शब्दों का चयन हम बहुत ही ध्यान से किया जाना होता है, तो शिक्षा का प्रकार नहीं करेंगे यहाँ पे, हम शिक्षा की प्रकृति करेंगे कि नेचर कैसा था। तो देखिए, इसमें जो शिक्षा थी वह क्या थी, इसमें जो शिक्षा थी वह नीति प्रधान थी, ठीक है, नीति तर्क से प्रधान थी, नीतियों को तर्क को बहुत ही ज़रा महत्व दिया जाता था। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि शिक्षा नीति प्रधान न होकर के धार्मिक हो गई, यानी हर चीज़ को धर्म से रिलेट कर जाता था, जोड़ जाता था कि ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पाप पड़ेगा, ठीक है, हर चीज़ को धर्म से, जो भी शिक्षा थी, चाहे ज्योतिष हो, ठीक है, या फिर सर्वविद्या हो, या फिर आपका वेदों का अध्ययन हो, उपनिषद हो, ये सभी चीज़ को मतलब धर्म से जोड़ करके शिक्षा दिया जाता था कि ये चीज़ को इस तरह से धर्म के अनुसार करना ही करना है। अगर आप वैसे हैं, ठीक है, आप अगर दुकान भी चला रहे हैं, अपने दुकान खोल रहे हैं, उसको भी धर्म के अनुसार चलाइए, कैसे दुकान खोलनी, कैसे पूजा करके उसके बाद वंदना करके, ठीक है, कैसे कार्य करना है, कब पूजा संध्या वंदन करना है, हर चीज़ में धर्म को जोड़ा जाने लगा, यानी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया जाने लगा उत्तर वैदिक काल में। इसीलिए उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड ये सब का बोलबाला हो गया। ठीक, आगे है स्त्री शिक्षा की बात करेंगे, सातवां हमारा है स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा, ठीक, सातवां नंबर है। स्त्री शिक्षा की कंडीशन जो है उत्तर वैदिक काल में थोड़ी गिरावट दर्ज की जाती है। देखिए, इसमें जो स्त्री शिक्षा थी वह स्त्रियों को प्रदान की जाती थी, स्त्रियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी इसमें पूर्व वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि स्त्रियों की शिक्षा में गिरावट दर्ज की गई। यह आप लिखेंगे उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत, तो इस तरह से बना के लिखेंगे तो अच्छा अंक मिलेगा और आपकी कापी भी भर जाएगी और एग्जाम में देख करके समझेगा कि आपने अच्छे से लिखा है। और जो वैसे मैंने लंबा लंबा करके लिखा था उसमें आनंद नहीं है, ठीक है, यह नया तरीका है और अपडेट हो जाएगी लिखने के तरीके से भी, तो मैं समझ लूँगा कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के गुण और दोष की, ठीक है, यानी इसका मूल्यांकन करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की। तो इसी साथ अगर ना चाहते हैं आधार का तो ले लीजिए, किनारे हट जाता हूँ। ठीक, उम्मीद करता हूँ हो भी गया होगा। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन की। अब ये क्लास के बाद एक और क्लास होगी, इसमें होगा कि वैदिक कालीन शिक्षा का भारतीय शिक्षा में क्या योगदान है, ठीक है, या आधुनिक शिक्षा में क्या योगदान है, या शिक्षा में क्या योगदान है, इस तरह की क्लास आगे आपको मिलेगी, ठीक है, और वह लास्ट क्लास होगी क्योंकि टॉपिक लंबा पड़ जाता है, उसके बाद हम बौद्ध शिक्षा का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अब गुण और दोष की। ठीक, वैदिक कालीन शिक्षा का क्या गुण था, क्या इसके दोष थे। देखिए, सबसे पहला तो नंबरिंग कर लेंगे हम यहां पे। सबसे पहला गुण तो यह था कि यह जो शिक्षा प्रदान की जाती थी यह शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती थी, सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती थी, यह सबसे पहली विशेषता है। उसके बाद जो छात्रों का जीवन था वह बहुत ही अनुशासित था, क्या था, अनुशासित, अनुशासन हर जगह आएगा, अनुशासित छात्र जीवन, ठीक है, या अनुशासित अनुशासित गुरुकुल व्यवस्था भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे गुरु शिष्य का मधुर संबंध था, गुरु शिष्य के मध्य मधुर संबंध, मधुर संबंध। आज की कंडीशन तो यह है कि गुरुजी अपने छात्रों से खुद डरते हैं कि अगर मैंने कुछ बोल दिया इसे क्लास में तो हो सकता है बाहर एक गैंग बना करके कल आ जाए और हमारे ऊपर कुछ हमला न कर दे। आज की कंडीशन ये है, मैंने खुद देखा हुआ है। ठीक है, इसलिए आज के गुरु शिष्य की जो पद्धति है, आज तो ये कंडीशन है कि पहले छात्र पैर छूता था, ठीक है,
जो पंजा है उसे स्पर्श करता था, ठीक है। लेकिन आज कंडीशन ये है कि घुटना छूते हैं, और कुछ कुछ तो ऐसे हैं कि दूर से ही प्रणाम कर देते हैं, और कुछ तो ऐसे आधुनिक ज़माने के अपडेटेड छात्र हमारे हैं कि दूर से कहेंगे प्रणाम ऐसे कर लेंगे, ठीक है, ऐसे ऊपर ऐसे करके चल देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, और कुछ तो ऐसे हैं कि ऐसे करते हैं गुरुजी ऐसे ऐसे करके चल देंगे। ये कंडीशन हो गई है कि पहले पैर को छूते थे, अब घुटना छूने लगे, घुटने के बाद ऐसे प्रणाम होने लगा, और उसके बाद ऐसे प्रणाम होने लगा, और ऐसे के बाद अब ऐसे ऐसे होता है, ये कंडीशन हो गई है गुरु शिष्य के मध्य। मैंने देखा है जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो अपने सर देखते हैं हाय सर ऐसे ऐसे करेंगे, हाय सर हो गया है, हम ठीक है हवा में उड़ा देंगे, ऐसे ही चला गया। खैर अलग की बात है, गुरु शिष्य के मध्य मधुर संबंध होते थे उस समय, यह वैदिककालीन शिक्षा का गुण है। इसके बाद हम बात करेंगे कि उस समय कुछ विषय की विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जाती थी, ठीक है, विषय विशेष, विषय विशेष की शिक्षा, जैसे कि सर्व विद्या, ठीक है, ज्योतिष शास्त्र, ये ज्योतिष का ज्योतिष संबंधित था, सर्व से संबंधित था, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें विषय विशेष की शिक्षा उसमें भी प्रदान की जाती थी, ठीक। ये हो गया हमारा चौथा। अब पांचवा देखेंगे, पांचवा गुण क्या है, देखिए पाठचर्या जो थी वैदिककालीन शिक्षा की वह क्या थी, व्यापक थी, तो लिखेंगे व्यापक पाठचर्या, ठीक है, व्यापक पाठचर्या, ठीक। चूंकि हमने बताया कई सारे विषय थे, योग था, ठीक है, आपका उसमें सर्व विद्या था, अंक शास्त्र था, कला था, कला के तहत संगीत कला, हस्तकला, शिल्प कला, ये सारे उसमें कला थे। उसके बाद अन्य भी कई सारे उसमें विषय थे जो सर मैंने आपको बताया था, और उसमें परा और अपरा पाठचर्या हमने आपको बताई कि उसमें ज्योतिष के भी विषय थे। उसके बाद आपके वेद, उपनिषद, वेदांग, इन सभी का भी अध्ययन कराया था, तो विस्तृत था, ठीक। आगे बात करेंगे हम अच्छी शिक्षण विधियाँ, उसको लिख देंगे उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करके शिक्षण कार्य किया जाता था, उत्तम शिक्षण विधियाँ। इसलिए वैदिक काल को उस समय बहुत ही सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता था, कि यह ऐसा काल था जिसने कि भारत में हिंदू धर्म की आधारशिला रखी थी वैदिक काल ने। इसी के समय से जो भी मंत्रोच्चार हुए, ठीक है, जो भी वेदों की रचनाएं हुई, वे सभी आज भी चली आ रही हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। तो यही है वैदिक कालीन शिक्षा के गुण, के निःशुल्क था, अनुशासित छात्र जीवन था, गुरु शिष्य के मध्य मधुर संबंध थे, विषय विशेष शिक्षा प्रदान की जाती थी, व्यापक पाठचर्या थी, उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता था। अब हम बात करेंगे दोष में, तो दोष में सबसे पहला है कि राज्य का उत्तरदायित्व न होना। चूँकि देखिए शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व, बताता हूँ उत्तरदायित्व न होना, क्योंकि शिक्षण कार्य हो रहा है, एक गुरुकुल चल रहा है, संस्था चल रही है, तो भिक्षा पे और किसी के दान पे, ठीक है, और जब बालक विद्यालय छोड़ के जाएगा, गुरुकुल छोड़ करके जाएगा, ठीक है, तो समावर्तन समारोह होगा, उसमें वह जो अपनी इच्छा अनुसार दे सकेगा, सामर्थ्य अनुसार वह देगा, तो जरूरी छोड़ने के हर राजा का लड़का या वहाँ के पढ़ेगा, साहूकार का लड़का या के पढ़ेगा, गरीब घर से पढ़ेंगे, तो इसमें शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य का जरूर होना चाहिए था, लेकिन वह राज्य इस उत्तरदायित्व से बचता रहा, ठीक है। हालांकि उस समय व्यापक स्तर पर राज्य का निर्माण भी नहीं हुआ था कि जो उसका उत्तरदायित्व संभाले, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो संस्थाएं थी उनको इसका उत्तरदायित्व जरूर संभालना चाहिए था, ठीक है, उन्होंने अपने को इसे विलग रखा, यह इसका दोष है। आगे है कि इस काल में धार्मिक व नैतिक शिक्षा पर बल दिया गया, धार्मिक व नैतिक शिक्षा पर बल, सिर्फ जो भी शिक्षा थी उसे धर्म पर जोर दिया जाता था, धर्म की शिक्षा दी जाती थी, वेद उपनिषद इन सभी का अध्ययन कराने पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। हमने बताया कि चार वेद का अध्ययन करने के लिए कितना समय लगता था, ठीक है, तो यह क्या था, चार वेद का अध्ययन करने का मतलब कि अपनी ज़िंदगी आदमी क्या करे, ख़त्म कर दे, से बूढ़ा हो जाए, जब चार वेद का अध्ययन करेगा उसका धीरे धीरे उसकी विस्मृति होने लगेगी, ठीक। तो वही है कि धार्मिक व नैतिक शिक्षा पर बल जाता था, न कि
भौतिक जगत से संबंधित अपने को और निखार लाने के लिए, ठीक है, और जो भी भौतिक जगत के संसाधन हैं उनका विकास करने के लिए, नई खोज करने के लिए प्रोत्साहित न करके सिर्फ धार्मिक व नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। ठीक, आगे बात करेंगे कि स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं थी। वैदिक कालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा, लिखेंगे स्त्री शिक्षा की समुचित, स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था न होना, ठीक है, स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था इस काल में नहीं थी। आप सभी जानते ही हैं कि स्त्रियों की दशा बने पड़ता है कि इस काल में कुछ ठीक थी आरंभिक वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में क्या हुआ, थोड़ा गिरावट दर्ज की गई। तो स्त्रियों की दशा में गिरावट दर्ज की गई तो उनकी शिक्षा पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक, आगे है जन शिक्षा का अभाव था। जन शिक्षा का अभाव, जन शिक्षा का अभाव मतलब ये है कि तीन वर्ण को शिक्षा मिलता था जबकि शूद्र को शिक्षा नहीं मिलता था। उन लोगों का कहना था कि शूद्र का काम है सेवा करना, उसके लिए शिक्षा उसे प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह अपने बड़ों का देखते देखते वह सीख जाएगा। ठीक, इसके बाद था आपका रटनी पर बल। इसमें क्या था, रटनी पर बल। अब बच्चा सुन लिया उसको मनन करेगा, मनन करेगा उसको रटेगा, जो गुरु जी बता रहे हैं सिर्फ उसको रटना है। ठीक, तो रटनी पर बल दिया जाता था, यह इसका एक दोस्त था। और सबसे लास्ट में है कठोर अनुशासन, बहुत ही कड़े नियम कानून थे। ठीक है, कठोर अनुशासन, तो इसके साथ इसका ले लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, मैं किराया हट जाता हूँ, हो गया होगा। ठीक, तो समझ गए होंगे, गुड़ ये था। और दोष में क्या है कि राज्य का उत्तरदायित्व न होना, उसके बाद धार्मिक व नैतिक शिक्षा पर बल दिया था, स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं थी, जन शिक्षा का अभाव था यानी चारों वर्णों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, मतलब कि सिर्फ तीन को था और एक को नहीं था। ठीक, रटने पर बल दिया था, गुरु जो बताते थे शिष्य सिर्फ उसको सुन करके रटते थे। आगे है कठोर अनुशासन था। कठोर अनुशासन मतलब ये है कि जब बालक आ गया आश्रम में एक बार तो समावर्तन समारोह हो जाता था, ठीक है, तब वह यहाँ से छोड़ करके जाता था गुरुकुल को। ठीक, तो यही सब है कठोर अनुशासन के अंतर्गत। ये हमारे चार गुण हो गए और दोषों की संख्या मुझे छह लग रही है, थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर हम निष्कर्ष जब लिखेंगे इसका कापी में अपने, ठीक, तो निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि देखिए, निष्कर्ष के रूप में हम यही कह सकते हैं कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी इसमें गुणों की संख्या ज़्यादा थी और दोष की संख्या कम थी। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे दोष ज़्यादा लिख दिया है, हालांकि और भी गुण हैं, हमने यहाँ पे गुण लिखा नहीं है, हालांकि आप जब पढ़ेंगे तो और भी गुण देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि एक गुण यहाँ पे और है कि छात्र को स्वावलंबी बनाना, ये हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो कई सारे गुण थे। तो हम सीधे सीधे निष्कर्ष में लिखेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा के गुण और दोष को देखने के उपरांत हमें यह प्रतीत होता है कि वैदिक कालीन शिक्षा के समय एक बहुत ही अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिससे कि छात्र का आध्यात्मिक उन्नति हो सके, वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सके। छात्र को अनुशासित बनाता था और स्वावलंबी बनाने पर जोर दिया जाता था, ठीक है, जिससे कि वह अपने पैरों पर खड़े हो सके। हालांकि कुछ इसमें दोष भी थे, लेकिन हमें दोषों को हटा करके आधुनिक शिक्षा प्रणाली में वैदिक शिक्षा के गुणों को भी समाहित करना होगा। ठीक, यही आप लिखेंगे और इस तरह से आपका वैदिक शिक्षा का मूल्यांकन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।